नमस्कार, स्टार्टअप इंडिया को लेकर इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स के जरिए वो अपने कैरियर को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और सरकार इसमें उनका किस किस तरह से सहयोग कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं रितेश गुप्ता जी से, जो कि प्रोफेसर एंड सेंटर इंचार्ज हैं FDDI चंडीगढ़ के। रितेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। रितेश जी, दर्शकों को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि स्टार्टअप्स असल में है क्या। देखिए, स्टार्टअप्स अपने आप के अंदर एक गहन विषय है, एक भावना है जी, एक प्रेरणा का स्रोत है जी। अलग अलग लोग इसको डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन जहाँ तक मैं जुड़ा हुआ हूँ भावनात्मक रूप से स्टार्टअप्स के साथ, मैं खुद एक स्टार्टअप, सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि सिर्फ मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैंने खुद एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जी। उसको कामयाबी की नज़र तक पहुँचाकर आज उसको मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टार्टअप अपने आप के अंदर एक भावना है, अपने आप को बाकी लोगों से, समाज में अपना एक अलग स्थान, अपने एक शख्सियत प्रोवाइड करने के लिए, इसके साथ के अंदर एक राष्ट्र निर्माण के अंदर सहयोग देने के लिए ये एक भावना है जी। यहाँ पर अकेला मैं ना होकर हम की प्रवृत्ति जो है वो एक स्टार्टअप है जी। मान लीजिए, अगर हम बात करें कि दर्शकों में से अगर कुछ, ये अक्सर बात की जाती है कि मैंने अपना काम करना है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, सिंपल दुकान खोल लूँ या सिंपल कोई बिजनेस कर लूँ जी, या मेरे को स्टार्टअप में जाना है, इसमें क्या फ़र्क है और इसमें जुड़ने का क्या जरिया है? दुकान खोलना इज़ ए ट्रेडिशनल बिजनेस, या एक कहीं पर जॉब कर लेना, या अपना एक अपना काम शुरू कर देना, या अपनी फैमिली का कंटिन्यूड बिजनेस जो चलता आ रहा है उसी के अंदर आपने एक नया रूप प्रारूप देने की कोशिश करना, ये एक सिंपल बिजनेस है। स्टार्टअप एक नए आइडिया के साथ स्थापित होता है, एक नई सोच कि ये चीज़ें हमारे समाज की कमी है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया नज़रिया कि बाहर के देशों में, विकसित देशों में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हम अपने देश के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं जी। कम लागत में, कम पैसे के साथ और बेहतर सोच के साथ बड़ी से बढ़िया सेवाएं, वैल्यू एडिशन, आपका कोई भी इनोवेटिव आइडिया जो कि राष्ट्र निर्माण में किसी ना किसी तरह से सहयोग दे, बिल्कुल सर, वो होना चाहिए वो और होना उसको चाहिए। आप अगर शुरू करते हो जी तो वो एक स्टार्टअप कहलाएगा, अदरवाइज जो आप दूसरे बिजनेस की तरफ चले तो वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, वो कैरी ऑन बिजनेसेस हैं, वो स्टार्टअप्स नहीं है। जो एक नई सोच दृष्टिकोण के साथ आता है वो एक स्टार्टअप है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक स्टार्टअप, या हम हमारे दर्शकों में से कोई एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज हैं जी लेकिन पैसा नहीं है जी, तो उस लिहाज में सरकार की तरफ से या कुछ और ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह की मदद करते हैं जी, वो कौन लोग हैं? बहुत सारा ऐसा बहुत बड़ा तंत्र है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है जी। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा ना बताते हुए, एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, हमारे अरुण जेटली जी ने बजट के अंदर भी, जब से 2016 का बजट अगर मैं बात याद करूं या 15 का बजट याद करूं, तो उन्होंने एक अलग से मुद्रा लोन्स के बारे में बात की। आज हम उसको तो एक तरफ रखते हैं कि जो फाइनेंसिंग सेटअप जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उद्यमों के लिए, नए उद्यम्स के लिए, और जो हम स्टार्टअप्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं जहाँ पर लोगों के पास तजुर्बा नहीं है या वो काम पहले किसी और ने पहले नहीं किया हुआ है, कि हमारे पास सक्सेस का पैमाना नहीं है कि उन्होंने ऐसा कर लिया तो हम भी वैसा कर पाएंगे, जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है जी। इस रिस्क को कोई भी बैंक पहले कवर नहीं करना चाहता था, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कवर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के इसकी तरफ ध्यान है और आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है जी। नाउ वी हैव इंक्यूबेशन सेल्स, वी हैव फॉरेन प्लेटर्स, जहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल्स बहुत सारी आती हैं इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं। अगर हम NSIC की बात करें, ओखला में स्थापित है उसके, वहाँ पर मेरे पास जहाँ तक मेरी जानकारी है 100 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं वहाँ पर, जहाँ पे करवाने के लिए आपको खुले रूप में बुलाया जाता है और आप उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, अपना काम शुरू कर सकते हैं। रेदर जो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट भी आप ले जाकर अगर आप किसी बैंक में दिखाते हैं तो आपको 50 लाख रुपये तक का। मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि बजट में भी कई बार इस तरह की बात कही गई है, कुछ वैसे भी फंडर्स हैं, एंजल फंडर्स हैं जो इस तरह की फंड्स कर देते हैं। हम एंजल फंडर्स की तरफ ना जाते हुए सरकार की जो वित्तीय प्रणाली है उसके ऊपर अगर ध्यान दें कि बैंक्स मुद्रा लोन दे रहे हैं वो भी कोलेटरल फ्री है जी, उसके अलावा अगर मैं कोई सर्टिफाइड होके जाता हूँ, कोई स्किल्ड सर्टिफाई होके जाता हूँ, तो
मुझे बैंक में जाके किस किस तरह की परेशानियां सहनी पड़ेंगी? अब जो एनवायरनमेंट अब तैयार हो गया है उसमें परेशानियां नहीं हैं। जी जी, उसमें जो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या आपके पास एक बिज़नेस मॉडल है, रेप्लिकेबल बिज़नेस मॉडल है, जो आप अपस्केल करते चले जाते हो, तो उसके अंदर बैंक लोन की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्किल डेवलपमेंट के अंदर है कि आपके पास सही जो स्किल्स होनी चाहिए थी इस काम को करने के लिए, वहाँ पर मेरे मुताबिक अभी भी कमी है। लोग सर्टिफाई ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स को बच्चे प्रोफेशनली ना लेकर एकेडमिक्स लेते हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट के अंदर अगर बच्चे रट्टा लगाएंगे तो वो कामयाबी नहीं आ पाएगी। सर्टिफाइड हो जाऊं उसके बाद देखी जाएगी। जी, तो इसको लेके काफी काम करने के भी काफी जरूरत है बच्चों में खास करके। अगर हम एफडीडीआई की बात करें, जी, खास रूप से इसके ऊपर आते हैं कि ये जहां तक हमें पता लगा कि अपने आप में एक यूनिक किस्म का एक सेंटर है जिसमें हम बच्चों को लेदर्स के ऊपर, जी, खास करके लेदर इक्विपमेंट्स हो गए या लेदर का जो भी निर्माण हो रहा है जी उसके ऊपर हम ले रहे हैं, मेरे को एफडीडीआई के बारे में थोड़ा बताएं। FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 1986 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको स्थापना हुई थी जी, और आज तक करीब 32 साल हो गए हैं इस बात को, और आज तक अपने किस्म का भारत में ही नहीं पूरे एशिया में जहां तक मैं समझता हूं अपने किस्म का एक ही ऐसा संस्थान है जो चमड़े के ऊपर इतनी एक्सटेंसिव पढ़ाई कराता है। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन वो इतनी डीपली और इतनी एक्सटेंसिवली पढ़ाई नहीं करा पाते हैं। डिप्लोमा वगैरह तो अवेलेबल आ जाता है कहीं ना कहीं से, छोटी जगह से, वो भी बहुत सारे संस्थान ऐसे नहीं हैं, लेकिन 4 साल का बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कोर्स कराना ये अपने आप के अंदर एक ऐसी कलाकारी है कि पूरा फुटवेयर जगत, अगर हम बात करें फुटवेयर जगत की भी, तो शायद श्रोताओं को भी इस बात को मालूम नहीं होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा निर्यातक मुल्क है। मैं दर्शकों से यही एक बात साझा करना चाहता हूँ कि अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं FDDI के अंतर्गत, जो कि चमड़े को लेकर कुछ खास रूप से एक बड़े एक्सटेंसिव किस्म के प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसके बारे में शायद लोगों को इतनी जानकारी नहीं कि इसका भविष्य क्या है। गुप्ता जी, लेदर का फ्यूचर वो आप थोड़ा बताएं कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो आप यहाँ पर अपने इसमें करवा रहे हैं उसमें लेदर का उनको क्या फ्यूचर दिख रहा है कि वो इसमें आए? लेदर का फ्यूचर, लोगों को इसके बारे में रुझान या जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों के लिए जो फैशन की समझ आती है वो शायद हमारे तन के जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स, कोट्स, ब्लेजर्स, वहाँ पर हम लोग उसका तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जूतों की तरफ से थोड़ा हमारा ध्यान कम जाता है। लेकिन दुनिया का जो फैशन है वो गारमेंट्स के साथ में जूतों पर भी बदलाव आ रहा है। सो बहुत सारी फैशन एसेसरीज, बहुत सारे जूते, अभी हम बात करते हैं तो शायद कभी हम स्कूल कॉलेज से निकले होंगे तो हमारे पास एक शायद फ्लीट शूज़ होते थे और एक ब्लैक शूज़ होते थे, बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास किसी भी अगर हम वार्डरोब में देखते हैं तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 जोड़ी जूते हैं जी। तो जूतों की तरफ से रुझान बहुत बड़ा है, और प्लस बड़ी बात है कि हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो है उनके दो पैर हैं उनको तो हम कवर कर ही रहे हैं 7 या 8 ऑप्शन से। हम दुनिया के सेकंड सबसे बड़े निर्यातक भी हैं, यानी दुनिया की जो डिमांड है उसको भी हम यहाँ से पूरा कर रहे हैं। जा सकता है, और इतने बड़े तंत्र के लिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का होना एक हमारे अंदर बहुत सारी हमारे लिए चैलेंजेस भी पेश करता है। चैलेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स का इसको लेके, इन कोर्सेज को लेके जो आप करवा रहे हो सरकार की तरफ से हैं जी, जैसे कि आपने पहले भी बता चुके हैं कि एकदम से फ्री है, दो तरीके के कोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें से जो हम उन बच्चों की बात करें कि जो अभी फीस नहीं दे सकते हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये कोर्स हमारा पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ हमारा समझौता हुआ है, MOU हुआ है जी, जिसके अंदर हम बच्चों को अपने सेंटर के ऊपर लेदर स्टिचिंग के लिए स्पेशली जो अभी हम काम चला रहे हैं लेदर स्टिचिंग, जिसमें स्कोप अभी बहुत सारा है, उसके अंदर हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट 520 घंटे की पढ़ाई है, जो करीब बच्चा 3-3.5 महीने के अंदर हमारे यहाँ पर पूरी वो पढ़ाई कर लेता है, उसको हम 6 घंटा पूरा ट्रेनर्स के साथ और उन्हीं मशीनों के ऊपर काम करवाते हैं जो एग्जैक्टली इंडस्ट्री के मशीन है, वहाँ पे जाकर उन्होंने काम करना है जो उनको काम करना भी है, और हाँ मैं हमको इस हद से सिखाते हैं कि वो काम करें तो करें, यस करना तो है ही, करने के बाद वो करवाने में भी सक्षम हो, उनको आगे भी गाइड कर सके। मेरा एक और इसमें जानकारी थी कि कोर्स कर लिए बच्चा, सर्टिफाइड हो गया, अब इसमें ये भी एक चीज़ रहती है कि वो जॉब करेगा या उसने अपना काम खोलना जी, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उनके पास?
देखिए, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एक ही ऐसा तंत्र है जहाँ पर जो फुटवेयर की पढ़ाई करा पा रहा है, तो जॉब्स तो हमारे पास कोई कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन हमारा जो रुझान है, हमारी जो कोशिश रहती है, वो बच्चों को स्टार्टअप्स की तरफ प्रमोट करने की ज्यादा रहती है कि वो अपना काम अगर कर पाएंगे तो वो कल 4 या 5 लोगों को स्टार्ट करके और अपने साथ एम्प्लॉय कर पाएंगे, और अपने साथ एम्प्लॉय कर सकते हैं. तो हमारे पास जैसे अगर हम बच्चों को स्टिचिंग का काम सिखा रहे हैं, लेदर स्टिचिंग का, तो हम उनको हम जो जिस लाइन पे काम कर रहे हैं वो फुटवेयर कंपनीज के अंदर जो उनको स्टिचिंग करने के लिए उनको चमड़ा प्रोवाइड करा जाता है या जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और ये बच्चे उसके ऊपर काम करते हैं और काम करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट टाइमली मैटर के अंदर कंपनीज में वापस भेजते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं. अगर ये कहें कि वो उनकी ओजीटी हो रही है, ओजीटी हो रही है बिल्कुल, तो उसको मतलब ये कहना कोई गलत नहीं होगा सर? बिल्कुल, जो ट्रेनिंग है उसी का एक रिफाइंड फॉर्मेट है ऑन जॉब ट्रेनिंग. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये उनका ओजीटी चल रहा है. बिल्कुल, अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, जी जॉब का तो चलो ठीक है, जिन्होंने जॉब करनी स्टार्टअप्स का, उनका अभी इतना ना मन बना ना इतना अभी कल्चर डेवलप हुआ उन उस तबके के लोगों. जी जी, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें जी, तो इनमें लेके क्या स्कोप सरकार को दिख रहा है और क्या वो इनके लिए कुछ सुविधाएं दे रही हैं जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं? सुविधाओं की अभी ये देखिए कि जो हमने ये सेंटर एस्टेब्लिश किया है, हमने जो MOU किया हुआ है, हमारे पास 5,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं. हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते हैं, नेशनल अर्बन डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन की बात करते हैं. ये हमारे जितने भी मिशंस हैं ये सब बच्चों के लिए फोकस्ड है, नई जनरेशन के लिए फोकस्ड है. लेकिन हमें पंजाब के अंदर जो प्रॉब्लम्स फिलहाल देखने को समझ में आती हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि सर ये कोर्स करने के बाद क्या हम अब्रॉड जा सकते हैं? तो यस, अभी हमें जवाब यही देना पड़ता है कि आप पहले भारत की रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, उसके बाद अब्रॉड के रास्ते भी खुल जाएंगे. हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ये ऐसी बातें भी कर रखी हैं कि आप इन सर्टिफिकेट्स के बाद आपको वीज़ा लेने में आसानी रहेगी. जी, तो मतलब मेरे को वो थोड़ा सा समझाएं कि ये कोर्सेज क्या हम विदेशों की जो वर्कफोर्स है उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या इंडिया की वर्कफोर्स हमारी को बढ़ाने के लिए? कोशिश जैसे मैंने कहा कि यही है कि वो स्वयं उद्यम सम रोजगार या स्टार्टअप्स अपने लेवल के ऊपर स्टार्ट करें और हम उनको हर उस कंपनी के साथ. फिर वही बात आती है कि इसमें हम उनको यहाँ पे रहने के लिए सुविधाएं क्या दे रहे हैं एक स्टार्टअप खोलने के लिए? हम उनको बैंक लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं जी. हम उनको कंपनीज के साथ एक्सटेंसिवली टाई अप्स बता रहे हैं. हम उनको रॉ मटेरियल और पेमेंट्स तक सपोर्ट करने के लिए हम उनके लिए तैयार हैं. ये सब हम इनफॉर्मली उनके साथ करने के लिए तैयार हैं सिंस वो हमारे बच्चे हैं. और ये सब काम करने के बाद बच्चे को और आगे लोगों को रिक्रूट करना अपने साथ, वो भी हम उनको गाइड करने को तैयार हैं. हम उनको बिजनेस प्लान से स्टार्ट करके अप स्केल कैसे कैसे करना है और मशीनरी सस्ते रेट के ऊपर उन तक कैसे पहुंचानी है, हम यहाँ पर भी उनके लिए तैयार हैं. जी जी. लेकिन बड़ी बात है कि उनके बारे में आगे बढ़े, वो आगे आए इस चीज को लेके. आप ये देखिए कि बढ़ना तो बच्चे नहीं है जी, जी. हम उसको पूरा साथ में एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, सपोर्ट मैकेनिज्म, एक पूरा उसको सपोर्ट दे सकते हैं. लेकिन अगर बच्चे की बढ़ने की चाहत सामने है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती. सपोर्ट मैकेनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से मैं ऐसा समझता हूँ कि एक सशक्त पूरा मजबूत मैकेनिज्म तैयार है बच्चे को, जिसको आगे बढ़ना है तो उसको किसके बाद किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही जल्दी अपने लेवल के ऊपर दौड़ता हुआ पहुंचेगा. आपने पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी साथ में है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना इसकी भी आप बात कर रहे हैं जी. ये सब स्किल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी काम किया जा रहा है जी. पंजाब में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें जी, तो लेदर को ना छोड़ के जी सारा सिनेरियो अगर हम देखें तो पंजाब में स्टार्टअप्स की क्या पोजीशन है अभी? पंजाब में स्टार्टअप्स मुझे लगते हैं कि एक इनिशियल लेवल के ऊपर हैं जी. जैसे कि एक डिफरेंस आता है डेवलप्ड नेशन और एक विकासशील देश में और एक विकसित देश के अंदर, हमारे यहाँ पर भी वही डिफरेंस है कि अगर हम अभी स्टार्टअप्स का रुझान देखते हैं तो थोड़ा सा मेट्रो सिटीज़ की तरफ ज़्यादा स्टैगर्ड है जी. तो धीरे धीरे है कि लेवल 2 और लेवल 3 सिटीज़ के ऊपर, टीयर 3 सिटीज़ की तरफ भी अभी आप जल्दी जल्दी स्टार्टअप्स का मूवमेंट देखेंगे, बिकॉज ये एक प्रचलन जो है ये बहुत जल्दी तेज़ी से फैल रहा है. हम जानते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, हमारे सामने ग्लोबल एक अप्रस्ट है जिसके अंदर से लोग टेक्नोलॉजी की तरफ की वजह से लोगों की नौकरियों के ऊपर उतनी ग्रोथ नहीं आ पा रही जी. इसके अलावा जो हमारे देश का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एजुकेशन लेवल का जो स्ट्रक्चर है, वो जो BSc BCom जो एकेडमिक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान बहुत कम है.
तो वो प्रावधान हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमें राष्ट्रीय महत्वता का संस्थान बनाने की बात बताई गई है। इसीलिए हमारे 12 में से 7 सेंटर्स इसी साल के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है स्टार्टअप्स के लिए। FDDI की अगर हम बात करें, और ये खास रूप से चमड़ा उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, FDDI में आया बच्चा आपके पास क्या क्या कर सकता है और उसके लिए आगे भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं? जी, ये FDDI का दूसरा प्रारूप है। पहला हमने बात किया स्किल डेवलपमेंट का, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट बातें करते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑलवेज चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्टली भी हम करीब 2.5 लाख बच्चों को अभी तक फुटवेयर उद्योग के अंदर और कोर्स स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम तैयार अभी तक कर चुके हैं, और ये बच्चे सालाना इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट करवाने के बाद हमारा काम पूरा होता है। अब आपने जो सेकंड बात करी, अब हमारे पास जो FDDI का जो हमने यहाँ बनोड़ में तंत्र स्टार्ट किया है, ये हमारा 12वां कैंपस है, और अभी 22 तारीख को ही श्री माननीय सुरेश प्रभु जी कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से इसका उद्घाटन किया जी। तो जो ये तंत्र है, यहाँ पर फुटवेयर की पढ़ाई कंटिन्यूसली चली रही है। इसके अंदर हम 3 वर्टिकल्स के अंदर बच्चों को स्पेशलाइज कराते हैं, डिज़ाइनिंग के अंदर, मर्चेंडाइजिंग के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर। 4 साल का ये कोर्स है और बच्चा इन तीनों वर्टिकल्स के अंदर थोड़ी जानकारी और एक लाइन में स्पेशलाइजेशन लेकर आगे बढ़ता है, जिसके बाद हम उनके आखिरी साल होने से पहले ही उनकी प्लेसमेंट्स सुनिश्चित कर देते हैं। फुटवेयर के अंदर कई बच्चों को थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक है कि फुटवेयर मतलब जूता और जूता मतलब नहीं चमड़ा, तो उसमें काम नहीं करना है। तो हमारे लिए उनके लिए दूसरा प्रारूप है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं लेदर गुड्स एंड एसेसरी, जहाँ हम लोग बेल्ट्स की बात करते हैं, जहाँ हम लोग हैंड बैग्स की बात करते हैं, लेदर जैकेट्स की बात करते हैं, और चमड़े के छोटे छोटे वॉलेट्स जैसे आप चीज़ें बनाते हैं, क्लचर्स बनाते हैं, इन सब के अंदर लेडीज़ काम बहुत अच्छा करती हैं। तो इसका डिज़ाइनर का काम करना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, ये लाइन भी एक स्पेशलाइजेशन की लाइन है जिसको हम लोग बहुत अंदर, इसके अंदर हमने देखा है कि जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात करी, तो इस लाइन से बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे बिगिन होते हैं। जी जी, रितेश जी, अगर हम बात करें कि बच्चों का इसमें कुछ एक क्षेत्र में आके वहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रह जाना कि ये मैंने नहीं करना, ये शायद मैं इस पे नहीं ठीक हो पाऊंगा जी, ऐसे में बच्चों को लेके आना, उनकी उनको इस एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित करना, इन स्किल्स के प्रति उनको उत्साहित करना जी, FDDI की तरफ से इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत बड़े लेवल का काम इस बार हम लोग कर रहे हैं। 2017 में जब हम इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर हुए, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा हमने आइडेंटिफाई किया कि एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग गैप आता जा रहा है, लोगों को हमारे बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हम थोड़े में खुश थे कि जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे उसमें से अबाउट 20% 30% स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ कंपेरेटिवली ए डिसेंट रेशियो। लेकिन अभी हमें लगा कि क्वालिटी और बढ़ानी है और बेटर तरीके के ऊपर जाना है, तो इस बार हमारा एक बहुत बड़ा ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हम लोग स्कूल कॉलेजेस में DEOs के साथ मुलाकात करके, आपके DC मोहाली जी से मुलाकात करके, हमने कई जगह ऐसे इवेंट्स किए हैं, बच्चों के कॉलेजेस के अंदर हम लोग गए हैं, NSS कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां पर हम बच्चों को इन सब नए कोर्सेज के बारे में हैं उनके जानकारी बारे में दी जानकारी दी। जी जी जी, तो अगर हम यहां से अपने स्टूडियो से दर्शकों को कुछ कहना चाहें, तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इन कोर्सेज को करने के लिए? 10+2 एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने 12वीं पास की हुई है, किसी भी बोर्ड से आपने पास करी हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार FDDI इंडिया की साइट पर ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि गवर्नमेंट के कितने सारे प्रारूप, कितने सारे उपक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, जिनके अंदर आपके पास भविष्य के अंदर एक नहीं तो बहुत सारी ऑप्शंस रास्ते दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो एक ये शिक्षा की डोर नवोत्थान की ओर, ये हमारा नारा है, जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा, हमारे 70-80% कोर्सेज वोकेशनल नेचर के हैं, मशीनों के ऊपर हैं, रेदर देन सीधा जो आपने करना है जाके वो आप यहाँ से सीख के वो आप यहाँ से सीख के जाइए। आप सीधा बैटिंग करने के लिए मैदान पे उतरेंगे, आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हमारा आश्वासन आपको। जी जी, तो इसके अलावा एक तो हमारा शूज़ के ऊपर आपने बात की कि जूता हर एक की ज़रूरत है, और जूते को लेकर मार्केट आगे भी काफ़ी बड़ी है, वर्ल्ड की मार्केट काफ़ी बड़ी है, और भारत उसमें बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है। बिल्कुल, जूते के अलावा आपने एसेसरीज को बता रहे हो जी, वो मार्केट क्या है हमारी और उसमें बच्चों के लिए क्या संभावनाएं हैं? जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी मार्केट है। अभी आप देखें तो हमारे पास
अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आ जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं। लेकिन अगर हम एसेसरीज की बात करते हैं तो हमें कभी ब्रांडेड बेल्ट लेने के लिए देखते हैं तो उन्हीं ब्रांड्स की तरफ हम देखते हैं कि शायद आपकी एसेसरीज भी बनती है। लेकिन अपने आप के अंदर कोई एसेसरी का ब्रांड अगर आप देखते हैं तो बहुत कम है। शायद हम कुछ नाम लेना चाहें यहाँ पर हाई डिज़ाइन जैसे ब्रांड्स के, लेकिन उनका नंबर अपैरल ब्रांड्स के मुकाबले बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉप्स के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर इन बच्चों को अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के अंदर सहूलियत मिल सकती है और वो काम ये कर सकते हैं। तो ये तो होगी बात हमने FDDI को लेकर की जी। एक बार हम अगर बच्चों को जी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जी इंकरेज करना चाहते हैं और साथ में हमारे पास सरकार ने ऐसी कई सुविधाएं दी हुई हैं कि वो अपना काम शुरू करने के लिए उनको पैसे के लिए कहीं इधर उधर नहीं देखना है जी, तो ऐसे में क्या योजनाएं सरकार की हैं या बैंक उनको क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मुद्रा लोन? ओके, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि FDDI के दो हमारे पास ऐसे कोर्सेज अभी और भी हैं जी जी। ये अकेला चमड़े पे गानी नहीं रुक जाती है, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से ऐसे दो कोर्सेज को और आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर बच्चे और ज़्यादा जॉब ओरिएंटेशन के साथ तो जा ही सकते हैं, अपने उद्यम भी स्टार्ट कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा बहुत बड़ा उभरता हुआ ऐसा तंत्र है। हम लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अपने यहाँ कराते हैं जबकि हमारे पास निफ्ट है जो टेक्सटाइल से एग्जिस्ट करता है, वो भी 1984 में हमारे 86 में हमारे साथ एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन हम लोग भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी अपने यहाँ से रन करते हैं 4 साल का। और इसके साथ के अंदर एक चीज़ और है, अभी हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम चमड़े की बात कर रहे हैं, अभी हम फैशन डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास साथ के अंदर रिटेल का भी एक बहुत बड़ा कोर्स है जहाँ पर हम 3 साल का इस साल से BBA का कोर्स रन कर रहे हैं, पहले 4 साल का होता था। रिटेल कहने का ये मतलब है कि FDDI को सिर्फ चमड़ा ना समझा जाए, चमड़े से संबंधित पढ़ाई ना समझी जाए जी। FDDI आने वाले समय में कई ऐसे कोर्सेज लेके आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि सिर्फ चमड़े के उद्योग से ना ही जुड़ना चाहते हो, रिटेल में जुड़ें, फैशन डिजाइनिंग में जुड़ें या इसके अलावा और भी ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें जुड़कर वो अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए भी FDDI आने वाले टाइम में काफ़ी ऐसे कोर्सेज लेके आने जा रहा है। सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ये कोर्सेज कर लिए जी, स्टार्टअप करना चाहते हैं जी, बैंक मुद्रा के अलावा उनको किस किस तरह की सहूलतें या किस किस तरह की सब्सिडीज हैं जो इन स्टार्टअप्स को खोलने के लिए उनको, थोड़ा ब्रीफ में? सब्सिडीज देखिए, आपस में कोलेटरल फ्री लोन हो जाना जिसके अंदर आप कुछ गिरवी नहीं रख पा रहे हो, वो आपस के अंदर ही अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। अभी सब्सिडीज के अंदर आपके पास रियायती दौर के ब्याज के ऊपर आपको ये लोन्स मिल रहे हैं जिसको चुकाने के अंदर आपके ग्रोथ के साथ के अंदर ये लोन्स लगे हुए हैं। तो ये एक आपस के अंदर अपने आप के अंदर जब आप उद्यम करने उतरते हैं, हर एक बैंक दे रहा है इसमें या इसमें कुछ बैंकों की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? जी, अलग अलग तरीके से इसको प्रारूप बैंक समझते हैं, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे सरकारी बैंक्स हैं वो इसके अंदर बहुत कम से कम रिजर्वेशंस के अंदर ये इजीली फास्टर लोन्स जो हैं ये डिसबर्स हो रहे हैं हमारी तरफ से। जहाँ आज, तक मेरी आज मैंने ये कोर्स किया जी, आपकी तरफ से सर्टिफाई हो गए, सरकार ने सर्टिफाई कर दिया कि यस ये आदमी अब ये बच्चा अब सीख चुका है जी, ये अब अपना काम शुरू करने को बिल्कुल तैयार है जी। तो उसके बाद मेरे पास पेपर फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं एक काम शुरू करने के लिए? पेपर फॉर्मेलिटी बहुत ही सिंपल है, आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है जी। बिजनेस प्लान बनाने में भी आपका जो संस्थान है जहाँ से भी आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो आपको मदद करता है, क्योंकि इसका एक प्रोटोटाइप एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर आपको अपने नंबर्स भरने हैं कि आप कितने टाइम में कहाँ तक बिजनेस करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए और बाकी लोग कैसे कर पा रहे हैं। आप वो एक प्रारूप तैयार कर देते हैं, बिजनेस प्लान तैयार कर देते हैं, प्लस आपके पास अथॉरिटी, आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आपने ये इस काम को सक्षम तरीके से सीखा हुआ है। तो ये सिर्फ बड़ी दो चीजें हैं, बाकी एड्रेस प्रूफ और वो सब चीजें रहेंगी, लेकिन ये दो बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको आपके मुताबिक जो आपने बिजनेस प्लान का लोन बनाया है, जहां तक मुझे जानकारी है 50 लाख तक के लोन्स के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है बैंक से। और 50 लाख एक ऐसी रकम है जिससे आप इजीली एक काम शुरू कर सकते हो और साथ में अपने 2-4 जो हम कह रहे हैं जो हमारा एक राष्ट्रीय एक मोटो है कि हम साथ में लोगों को लगाएं, साथ में लोगों को जोड़ें और उनको नौकरियां भी दें और खुद एक मिसाल बनके एक स्टार्टअप के जरिए जो सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना है स्टार्टअप इंडिया को लेकर या स्टार्टअप्स को लेकर जी, अलग अलग मंत्रालय इसमें अपना काफ़ी काम कर रहे हैं कि वो बच्चों को सक्षम करें, स्किल डेवलप्ड उनकी हो, अलग अलग तरह के काम करने में उनको मदद मिले। और सरकार के साथ साथ सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जो इन बच्चों को ये सुविधाएं देने में काफ़ी तरह से कार्यरत है, FDDI उनमें से एक है। FDDI को लेकर अगर हम रितेश जी बात करें, FDDI ने अभी अपना आने वाला समय का सारा बताया कि ये हमारा अभी मसौदा है जी, हम आने वाले समय में बच्चों के लिए ये करने जा रहे हैं जी। बच्चे
बच्चों की आपने सारी उनकी मन स्थिति देखी होगी कि वो इन चीज़ों को लेकर कितने सीरियस हैं जी, तो वो आप थोड़ा सा बताएं और उनको थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर आप थोड़ी बता सकें। मैंने बहुत सारी राष्ट्रीय लेवल की संगोष्ठियों के ऊपर इस तरह की बात करी है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी स्किल डेवलपमेंट की तरफ रुझान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मेरी अपनी सोच है कि हम लोग अगर बच्चे को 7वीं 8वीं जब वो क्लास में होता है उस लेवल के ऊपर अगर हम बच्चे को एक बार प्रेरणा स्रोत देते हैं कि ये PMT गेटिंग इनटू मेडिकल लाइन, गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग लाइन डेफिनेटली इज़ अ गुड ऑप्शन, वी आर नॉट डिनाइंग दैट कि वहाँ पर बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन उसको उसके ऑप्शंस पता होने चाहिए कि अगर आज मेरी बात प्लान ए से नहीं बन पाती तो प्लान बी मेरे पास क्या है, मेरे पास बैकअप ऑप्शन प्लान बी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, प्लान बी मेरे पास क्या है। ऐसे प्लान बी के अंदर हमें सोचना चाहिए। तो अगर हम FDDI जैसे संस्थानों को सामने लेके आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी है, ये सभी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर काम लेवल के काम कर रहे हैं, ये सभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम इनसे बात कर रहे हैं कि इन संस्थानों के बारे में बच्चों को अगर अवगत नहीं कराया जाएगा तो वो एक कैट रेस के अंदर पीछे भागते जा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी, मेरा सीनियर वो डॉक्टर बन गया, मुझे भी डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। अब वहाँ पर सक्सेस रेट थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम है, कि जब हम 5,000 कैंडिडेट्स में से 3 या 4 सिलेक्शंस को देख रहे हैं तो ये नंबर बहुत कम सिलेक्शन का है। यहाँ पे कंपैरेटिवली जब हम FDDI जैसे संस्थानों की बात करते हैं तो यहाँ पर सक्सेस परसेंटेजेस एज रो है 25-30% 40% भी आपका सक्सेस रेट सिलेक्शन का बढ़ जाता है। और सिलेक्शन के साथ के अंदर सबसे बढ़िया क्या मिलता है आपको, 100% कैरियर गारंटी। आप एक हाईवे पे ऑपरेट करते हैं सर, आपकी हाईवे में कोई और फुटवेयर इंजीनियर MBA नहीं आ सकता है। हाँ, पर नुकसान भी है कि आप भी अपनी बड़ी एक लाइन के छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, आप उसी लाइन के अंदर ही अपना करियर बना ग्रोथ है। इसमें हम इस करियर को, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये एक आपकी सीमित लाइन हो जी, इसमें आपने आगे बढ़ना है जी। डिमांड अगर हम देखें तो आपने डिमांड बताई जी, लेकिन क्या हमारे पास इतनी वर्कफोर्स है या आने वाले समय में हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए, उस डिमांड को और जो अगर बढ़ रही है जी, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स और हमें उससे क्या दिक्कत आ रही है उनको वापस लेने में इस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले जो कमी थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे पास 1986 में सबसे पहले नोएडा का कैंपस एस्टैब्लिश हुआ, 2007 तक आते हुए हमारे पास 2 और 3 सेंटर्स एस्टैब्लिश हो गए, 2010 तक हमारे पास करीब 4 सेंटर्स थे 5 सेंटर्स थे। आज पिछले साल की ही अगर हम बात करते हैं, 2018 से 19 के बीच में हमारे 4 नए सेंटर्स स्टार्ट हुए हैं जिसमें चंडीगढ़ एक सेंटर है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ होने के साथ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों की संभावनाएं, इनटेक बढ़ा है। हर कैंपस के अंदर हमारे पास 250 स्टूडेंट्स का इनटेक हो गया है। अब 250 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 कैंपसेस, वी रीच एट अराउंड 3000 नंबर्स। अब 3000 की डिमांड जो हमारी पास आउट हो रही है, मार्केट की डिमांड हमसे बहुत ज़्यादा है। मैं वही उसी के ऊपर बात कर रहा था कि इन चीज़ों को लेकर अगर हम करना शुरू करें कि हाँ मार्केट है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं दर्शकों से यही एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे रितेश जी ने बताया है कि ये हमारी एक बड़ी आने वाले समय में एक इसका इस मार्केट का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और इसमें जॉब्स भी हैं, और इसमें हम अगर बात करें कि बच्चों ने अगर जॉब्स ना करके अपना स्टार्टअप्स खोलने हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से और भी कई सुविधाएँ दी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि रितेश जी द्वारा बताई गई ये FDDI के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में जो भी जानकारी है दर्शकों को काफ़ी पसंद आई होगी, और उम्मीद भी करते हैं हम कि इसके बाद दर्शक इस तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ेगी पंजाब में, और स्टार्टअप्स को लेकर जो हम बाकी की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देंगे तो उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आपसे इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद।